कोरोना के वार जारी, पांचवी लहर मजीद 40 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 2870 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुस्बत केसेस की मजमू शरह 5.55% रिकॉर्ड। मोहसिन बेग के घर पर छापा और गिरफ्तारी गैर कानूनी करार। इकदाम सर्च वारंट के बगैर किया गया। सेशन अदालत, शवाहिद की तलाश के लिए इस्लामाबाद में सहाफी के घर दोबारा छापा। बेटे को भी हिरासत में ले लिया। ऑपोजिशन के राबतों के बाद हिकमत अमली की तैयारी। इस्लामाबाद में काफ लीगी कयादत की बड़ी बैठक। तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज इलाही को सौंप दिया गया। मौजूदा हालात में जिम्मेदाराना किरदार अदा करने का इरादा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा। इजलास में चौधरी मोनस इलाही, सालिक हुसैन और हुसैन इलाही की भी शिरकत। मईशत तबाह, मुल्क बहरानों से दो चार। मुआशी खुदमुख्तारी दाव पर लग चुकी। खारजा पॉलिसी भी नाकाम। नई नस्ल सेलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जिदोजहद के लिए तैयार। नौजवान कयादत का वक्त आ चुका। 27 फरवरी को अवामी मार्च होगा। ना अहल टोले को घर भेज कर रहेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। मुल्क भर में तलबा यूनियंस की बहाली का मुतालबा। नामजद पाकिस्तानी डॉक्टर आपसे मिलकर नवाज शरीफ की सेहत से मुतल्लिक तस्दीक करना चाहते हैं। 22 फरवरी से 13 मार्च के दौरान मुलाकात शेड्यूल की जाए। चार रोज कबल आगाह भी किया जाए। अटॉर्नी जनरल का साबिक वजीर आजम के मुआलिज डेविड लॉरेंस को खत। पंजाब में बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला। पोलिंग 29 मई को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जेर सदारत इजलास में फैसला। तैयारियों का जायजा। डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, बिहाड़ी और बहावलपुर अजला के अवाम हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। पाकपतन, तोबा, खुशाब, सियालकोट, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और अटक में भी मकामी नुमाइंदों का इंतखाब किया जाएगा।